guys, it's my birthday today. क्या कर रहे हो? झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं अभी अभी जस्ट रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग निकलेंगे स्कूल के लिए। और ये अभी नाश्ता कर रहे हैं। आज मेरे भी स्कूल में फंक्शन है तो मैंने यही पहना हुआ है। अभी पहना तो वैसे येलो था, बट येलो जो सूट था वो ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा कि ना ही वो प्रेस है और ना उसकी फिटिंग है, कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि जाने दो, ये जो है वही पहन लेती हूँ। तब मैंने ये पहन लिया है और अब बस निकलने वाले हैं स्कूल के लिए। फिर मिलेंगे आपसे स्कूल में। बाय बाय। सो गाइस, मैं अभी स्कूल पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेशन। रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये भी बसंत पंचमी का डेकोरेशन है। और यहाँ पे आज सारे लोग सब येलो अटायर में आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी भी व्लॉगिंग चल रही है। गरिमा मैम, आज मैं टैग करूंगी ध्यान से। Hey everyone, wish her a very happy birthday. Yes, thank you. इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से विश किया, मुझे 12 बजे रात में विश किया था। Exact 12 बजे। हाँ। और बाकी सब आ चुके हैं। ये भी है नेहा मैम। थैंक यू दीपा। अभी स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी सारे बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं और फंक्शन पर सब स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे क्या हो रहा है। जस्ट फिनिश नेशनल एंथम एंड किड्स आर नाउ गेटिंग रेडी फॉर द परफॉर्मेंस एंड नाउ परफॉर्मेंस विल बी ऑन एंड डू फन। मैम सो गाइज, अभी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे बच्चे गाने वगैरह गा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस थी सारे जहाँ पे अच्छा, और एक दो डांस परफॉर्मेंस थी। तो ये सब हो रहा है। और आपने देखा होगा कि मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, मैंने येलो पहन लिया। एक्चुअली मैं ब्लू पहन के निकली थी, पर जब मैं घर से निकली तो मुझे लगा कि शायद येलो ही पहनना चाहिए, क्योंकि मतलब शायद क्या बसंत पंचमी था और सबको येलो में ही जाना था। तो मैंने कहा नहीं, येलो ही पहनते हैं। फिर मैं जल्दी से अपने मायके गई, वहाँ पे जाके मैंने जल्दी से चेंज किया, फिर मैं स्कूल गई। तो ये रीज़न था ड्रेस चेंज होने का। और यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए आप भी एंजॉय करिए। अभी फंक्शंस चल रहा है और यहाँ पे अभी सारे बच्चे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे है निकिता मैम हमारी। हेलो। और बाकी यहाँ टीचर्स परफॉर्मेंस देने जा रही हैं अपनी। सभी को नमस्कार। सो आई होप आप लोग के अच्छे होंगे। सारे फंक्शंस हम लोगों के ख़त्म हो चुके हैं और अभी तो ये है एलकेजी की क्लास और यहाँ पे अभी बच्चे कर रहे हैं लंच। ये अभी नाश्ता हम लोग करने जा रहे हैं। भूखे आके बैठे हैं हम लोग। अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं और नाश्ते में हम लोगों को मिला है समोसे, इनको कुछ कहना है, मैम को कुछ कहना है। मैम सीधा, मैम को जो कहना होता है डायरेक्टली बोल देती है। तो गाइस चलिए अब हम लोग खा लेते हैं, खाने के बाद फिर हम लोग बात करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर रुचि मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं भी बनाएंगे तो भी है। सो यहाँ
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केक कटिंग हो रही है और सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। तो बर्थडे बहुत अच्छे से मेरा सेलिब्रेट हुआ स्कूल में। और खैर, एक दिन पहले रात में मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि मैं अकेले ही लेटी हुई थी और नाइट शिफ्ट में ये चले गए थे, तो मैं बहुत अपसेट थी। खैर, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मतलब सब गिफ्ट्स वगैरह मेरे लिए सब कुछ लिया था, बट स्टिल मैं बहुत अपसेट थी। तो बस सडनली, मतलब 12 बजे रात को भाई का फ़ोन आया कि वो लोग बाहर आए हुए हैं। तो वो सरप्राइज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वो व्लॉग पड़ा हुआ है, आप जल्दी से जाके देखना, क्योंकि ये फैमिलीज़ के जो छोटे छोटे सरप्राइज़ हमें अपने देते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खुशी ले आते हैं हमारी लाइफ में। मैं आज अपनी इतनी पुरानी दोस्तों के साथ मिली हूँ, बहुत पुरानी, मतलब जब हम लोग 6th क्लास में साथ में पढ़ते थे, उससे के बाद मतलब हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड्स हम लोग तब से, मतलब अभी तक हमारी फ्रेंडशिप चल रही है। और आज मैं इनके घर आई हूँ, ये है आकृति और ये शर्मा रही, क्यों शर्मा रही हो? और आंटी ये है, मुझे इनके हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते थे, मैं बहुत खाई हूँ आलू के पराठे और अचार मिर्ची। आकृति कुछ कहना चाहती हो? क्या? हैप्पी रिपब्लिक डे। देखिए मेरा बर्थडे और ये मुझे हैप्पी रिपब्लिक डे बोल रही है। नहीं, मेरी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने टाइम बाद मिली हूँ इससे। जा रहे केक कट करने और आकृति पागल हो गई है एकदम। मैंने मना किया था कुछ मत करना, तो ये मेरे लिए केक लेके आई है और देखती हूँ ये कहाँ पे है। ये आप कैमरे की नजरों में नहीं आना चाहती है। ये क्या जरूरत थी केक लाने की तुमको? अचानक से तो आई हो तुम तो अचानक से, मतलब मैंने मना किया था कि कुछ मत करना। क्या ही कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो अभी बिजली इतना कुछ कर रही है। सो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे हूँ, आकृति। ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, मतलब 7th स्टैंडर्ड से हम लोग साथ में हैं और लकीली आज भी साथ में ही हैं। तो उसने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली मेरा जो बर्थडे था वो ओवरऑल बहुत अच्छे से गया। तो ब्लॉग को इसी के साथ ख़त्म करते हैं, वीडियो में खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।